पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच और पाकिस्तानी इनिंग्स, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। यानी इतनी बुरी बैटिंग मैंने किसी क्लब के अंडर 13 की टीम की भी नहीं देखी। यानी आप किसी क्लब जाएं और उनकी अंडर 13, अंडर 16 की जो बैटिंग देखें तो आप कहेंगे कि यार पाकिस्तानी टीम से बेहतर बैटिंग कर लेते हैं ये। ऐसी पुअर शॉट्स, ऐसी पुअर शॉट सिलेक्शन, यानी कोई आपका मोटिव ही नहीं है खेलने का। मुझे लगता है इनको कोई मज़ा नहीं आता खेलने का, या मुल्क के लिए कोई इनको वो एक पैशन ही नहीं है कि मुल्क का कोई नाम डबो रहे हैं। पहला मैच इन्होंने इसी तरह हरवाया, बाबर आजम कब तक इनको जितवाएगा? यानी बाबर आजम अकेला जब आउट हो जाता है तो पूरी टीम ऐसे लगता है जैसे इनको खेलने ही नहीं आता। करोड़ों रुपया दिया जाता है डेली बेस का, इनके इनके अलाउंसेस देख लें, इनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इनके खाने पीने के खर्चे, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। यानी आप लोग पेट्रोल 250 रुपये का लीटर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इनको आपने तनख्वाह देनी होती है। वैसे पेट्रोल आपका 70 से 80 रुपये लीटर होना चाहिए और पूरी दुनिया में इसी तरह, पूरी दुनिया में तकरीबन 71-77 डॉलर पर बैरल है और यहाँ पे आप 250 का लीटर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन अशराफिया की, इन क्रिकेटर्स की, इन पॉलिटिशियंस की, और किन किन का मैं नाम लूँ, इनकी तनख्वाहें पूरी करनी है, इनकी शाहसुर्खियाँ, इनकी अय्याशियाँ आपने पूरी करनी है और इनकी अय्याशियों के लिए आप प्याज जो कि 40 रुपये किलो होना चाहिए वो 250 रुपये किलो है। यानी सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि 40-50 रुपये की किलो चीज़ 250 रुपये की क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स इतना है कि टैक्स सारा कहाँ जाएगा? टैक्स क्या आप या मेरे जेब में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये जो आपके अय्याश प्रस्त लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग हैं जो करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके टीम के प्लेयर्स हैं जो करोड़ों रुपए दिन का लेते हैं, यानी ये सिर्फ इस वजह से कि कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि ये सो कॉल्ड इनको आपने नाउजबिला खुदा बनाया हुआ है जिनके बारे में कोई पूछ नहीं सकता इनसे कि इन्होंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की। काम क्या है इनका? काम ये है कि क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हार्ड वर्क की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 6 घंटे की बजाय 18 घंटे क्रिकेट खेलें, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ की जो है वो उतना ज़्यादा बंदा उसमें बेहतर होता जाता है, उसमें बंदे की ग्रिप होती जाती है। तो इनकी क्यों नहीं ग्रिप होती, ये क्यों नहीं बेहतर होते? क्योंकि इनके पास और बड़े ज़रूरी काम होते हैं। ज़रूरी काम से मुराद इन्होंने सोशल मीडिया यूज़ करना होता है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यानी यहाँ पे ये एक्टिव होते हैं। ये एक्टिव ग्राउंड के अंदर, नेट्स के अंदर कम होते हैं और इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होते हैं। देखिए ये जब टीम में नहीं आते तो तब इनका पैशन होता है, तब ये मेहनत करते हैं। जब एक दफ़ा टीम में आ जाते हैं तो फिर आप इनको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि ये लोग वो चीज़ बन जाते हैं जिसको बहुत ज़्यादा इनके अंदर तकब्बुर आ जाता है, इनके अंदर गुरूर आ जाता है। ये वो चीज़ें फिर आज आपको पता चला कि 60 रन के अंदर 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई हैं। पिछला मैच आप जीते हुए थे, आपके 5 विकेटें बाकी थी और तकरीबन 50 ओवर्स के अंदर 80 रन चाहिए थे। 50 ओवर्स के अंदर 80 रन आप नहीं बना सके, 300 बॉलों पर आप 80 रन नहीं बना सके और आपके 5 विकेटें गिर गई। आज क्या हुआ? आज भी सेम कंडीशंस हुई। पाकिस्तान के बाबर आजम और आपके सऊद शकील ठीक ठाक तकरीबन 150 रन पे खड़े थे, दोनों 150 रन थे और तकरीबन 2 आउट थे। और जब अचानक बाबर आजम आउट होते हैं, 142 पे तीसरा आउट होता है बाबर आजम, तो उसके बाद लाइन लग जाती है। 142 पे तीसरा, 158 पे चौथा, 165 पे पांचवा, 169 पे छठा, 169 पे सातवा, 169 पे आठवां, 169 पे छठा, 169 पे सातवा, 169 पे आठवां, यानी 3 आउट हो गए 0 रन पे। आप अंदाज़ा लगाएं, कोई भी दिमाग वाला बंदा ये सोचेगा कि इंग्लैंड जैसी बिल्कुल ही एशियन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इनको स्पिन खेलनी आती नहीं है, इनको इनके स्पिनर्स इनके पास होते नहीं हैं। सो इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ अपने पैशन की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से ये बड़े गेम को टाइम देते हैं। यानी ये क्रिकेट की तरफ पूरा इनका एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। हमारे
प्रोफेशनलिज्म की दूर दूर तक इनको अलग से बे नहीं पता। आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 पे हमारा पहला आउट होता है, इमाम आउट हो जाते हैं 5 पे, 51 पे अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से जो पार्टनरशिप है तकरीबन 100 रन्स की, ये बाबर आजम और सईद शकील करते हैं। यानी अकेला बाबर आजम कब तक टीम के लिए लड़ेगा, कब तक? आप दो चीज़ें माइंड में रखिएगा, एक पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, दूसरा जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। अब जो शॉट खेली है सईद शकील ने, वो शॉट खेलने वाली थी, यानी इतनी पुअर शॉट, उससे पिछली वाली बॉल पे वो चौका लगा चुके हैं स्ट्रेट का। आगे उन्होंने फिट मूवमेंट की, आगे बढ़े और उन्होंने सर के ऊपर से मारा बॉलर के लीच के, फिर उससे अगली बॉल पे फिर दोबारा छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। यार कुछ तो देखो कि आपके बाबर आजम, आपके कैप्टन आउट हो चुके हैं 10 रन पहले, पिछले 2 ओवरों के अंदर बाबर आजम आउट हो चुके हैं, आपको क्या इतना नशा चढ़ा हुआ है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह इस तरह की शॉट करें? यानी ये बिल्कुल ही, आप दूसरा टेस्ट मैच भी हार चुके हैं, ये मुझसे लिखवा लें, आप पहला हार चुके हैं, आप दूसरा भी अब हार चुके हैं, अब जब दूसरा हार चुके हैं तो आप तीसरा भी हार चुके हैं, समझ के वाइट वॉश आपको हो चुका है। इंग्लैंड वो वाली टीम नहीं है जो आपको छोड़ देगी कि आप मैच ड्रा कर लें, वो आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। बेन स्टोक्स क्वेश्चन पूछा था किसी रिपोर्टर ने कि अगर 20 रन चाहिए एक ओवर में और आपकी आखिरी विकेट है और एंडरसन स्ट्राइक पे हैं, तो क्या आप उसको कहेंगे कि 6 बॉलें रोक के मैच ड्रा कर दो? बेन स्टोक्स ने कहा कभी भी नहीं, मैं उसको कहूंगा जाओ हिटिंग करो और मैच जीतो, हम मैच जीतने के लिए खेलते हैं, ड्रा करने के लिए नहीं खेलते। यानी वो उनकी ये सोच है, और आपके बैट्समैनों की क्या सोच है, चलें शेयर करता हूँ आपके साथ। अब्दुल्ला शफीक ने 44 बॉलें खेली हैं, 14 रन किए हैं, 3 चौके, 31 का स्ट्राइक रेट। इमामुल हक एक दफ़ा फिर, एंडरसन की कोई मेरे ख्याल से 2 इंच या 1.5 इंच बॉल घूमी होगी, उस घूमती हुई बॉल पे एज कर बैठे और ओले पॉप को इन्होंने कैच दे दी इस कीपर को, वो आउट हो गए 0 रन्स पे। बाबर आजम ने फाइट की है, बाबर आजम फाइट करते हैं, जब भी खेलते हैं करते हैं, अकेले करते हैं, अकेले जितवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले दिन फाइट की है, दूसरे दिन स्टार्ट में उन्होंने फाइट की है, 95 बॉलों पर 75 रन किए हैं, 10 चौके, 1 छक्का, 80 का स्ट्राइक रेट। एक अच्छी बॉल पड़ी है उन्हें एक अच्छी बॉल पड़ी है, ड्राइव के लिए जा रहे थे, बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग हुई है और रॉबिन्सन ने उनको बोल्ड कर दिया है। अब सईद शकील ने क्या किया है, सईद शकील ने 106 बॉलों पे 63 रन किए हैं, 10 चौके हैं, 60 का स्ट्राइक रेट है। लीच को, जैक लीच जो है, उनको उन्होंने बाउंड्री हिट की है स्ट्रेट की मिड ऑफ पे। अब अगली बॉल पर वो दोबारा कोशिश कर रहे थे कि मिड ऑफ से दोबारा बॉल पार करें, ऊपर से निकालें, पर बॉल समझ गए थे जैक लीच कि ये पागल इंसान दोबारा ट्राई करेगा। उन्होंने जब दोबारा ट्राई की है तो वो बॉल इन्होंने लेग साइड पे दी है और लेग साइड पे बॉल चली गई और इजी कैच पकड़ा है एंडरसन ने। उनके लिए इजी था, वैसे तो मुश्किल था, पाकिस्तानी तो छोड़ देते, पर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो इस तरह के कैचेज नहीं छोड़ते। मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, 43 बॉलें खेली हैं, 10 रन किए हैं, 2 चौके, 23 का स्ट्राइक रेट। आगा सुलमान 15 बॉलें खेल के 4, जिस तरह ये लड़का आउट हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। सिंपल बॉल थी जो है रूट की, सिंपल बॉल को वैसे ही उन्होंने अपनी मज़े ले रहे थे, क्यों बॉलिंग कर रहे थे वो, वैसे बॉलिंग करने के लिए आए रूट, और इन्होंने सीधा कह दी है बेन स्टोक्स को आगे। इसी तरह मोहम्मद नवाज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जैक लीच की बॉल पर उन्होंने इसी तरह कैच दे दिया आसान। फहीम अशरफ ने कुछ फाइट की है, 31 बॉलों में 22 किए हैं, 4 छक्के, 70 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद अली जो है रूट की बॉल पे आउट हुए हैं, कोई इनको पता ही नहीं है कैसे खेलना है। जाहिद महमूद इसी तरह मार्क वुड की एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए। इब्रार अहमद ने फाइट की है, नॉट आउट रहे, 21 बॉलों पर 7 रन किए हैं। यानी मुझे तो इब्रार अहमद बेहतर बैटिंग करते हुए नजर आए हैं बाकियों से, अफसोस हुआ है 6 एक्स्ट्रा मिले हैं, पाकिस्तान 202 पे पूरी टीम आउट हो गई है। यानी ये चीज़ कभी भी पाकिस्तानी फैंस इनके नहीं देख सकते। अब मैं रमीज़ राजा का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तो मैंने क्रिकेट देखने ही छोड़ दिए, क्योंकि मैं जब पाकिस्तानी टीम को देखता हूँ तो अच्छा खेल रहे हैं, अचानक से बुरा खेलना शुरू कर देते हैं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, मैं देखते ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आजकल मैं नमाजी हो गई हूँ, पक्का मुसलमान हो गई हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, एक निकियाँ करता हूँ, मैच नहीं देखता मैं। यानी आपका चेयरमैन मैच नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इतनी पाकिस्तानी टीम अजीब है कि जीते जीते हार जाएगी। यानी ये मैच जीता हुआ था जब 150 पे 2 आउट हो आपके,
तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दूसरी टीम को तकरीबन 80 रन की लीड दे दें? तो अजीब बात है, मैं कोई भी नहीं सोच सकता कि इससे पहले चले थोड़ी सी समरी आपको बता देता हूँ कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया था। पाकिस्तान के पहला ही मैच खेलने वाले, डिब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 22 ओवर्स करके एक मैडन 114 रन 7 विकेटें ली थी। इनकी वजह से पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी स्ट्रगल किया इंग्लैंड की टीम को। जाहिद ने 3 विकेटें ली थी 63 रन दे के, पूरी टीम को इन दोनों ने आउट कर दिया था। बल्कि मैं तो कहूँगा टॉप 7 जब विकेटें ले ली थी आप जानते हैं कि ब्रार ने, तो आगे फिर बॉलर्स को आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सो बॉलर्स आउट हो गए थे, 281 पे पूरी टीम आउट हुई थी इंग्लैंड की इबरार अहमद की बदौलत। इबरार अहमद ने काफ़ी रिकॉर्ड कायम किए थे पहले सेशन के अंदर, मिडन 5 विकेट होल इन्होंने किया था, 5 विकेटें इन्होंने पहले सेशन के अंदर ले ली थी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओवरऑल बेस्ट फिगर्स में सेकंड नंबर पर आ गए जहाँ इन्होंने 7 विकेटें लिए हैं 114 रन दे के। सो कई सालों बाद ये रिकॉर्ड कायम किए इन्होंने। ओवरऑल इनकी अच्छी बॉलिंग थी, अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बैट्समैन इनको समझ नहीं पाए और उनको समझ नहीं आई। मैं कहूंगा कि इबरार अहमद अगर दूसरी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान को कहीं कुछ बेहतर बॉलिंग करवा देते हैं तो पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा मैच के करीब जाना। मैच जीतना तो अभी भी मुश्किल है, मैच के करीब जाना, मैच थोड़ा सा फाइट करना, पाकिस्तानी टीम फाइट कर पाएगी। अगर इबरार अहमद बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाते तो पाकिस्तानी टीम ये मैच बड़े आसानी से हार जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आ रहा, कोई इनको समझ नहीं आती क्या करना है। यानी उस टाइम पे ये हिटिंग कर रहे थे जब आपको पता है कि बाबर आजम आउट हो चुके हैं। यानी मुझे सऊद शकील की अभी तक भी मैं सोचूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना प्रोफेशनल क्रिकेटर, यानी तकरीबन 24-25 करोड़ में से ये 12-14 लड़के सेलेक्ट होते हैं, 15, अगर 25 करोड़ में से आप सेलेक्ट हो ही गए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर नहीं भी हैं आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर नामो निशान भी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, फिर भी आपको 25 करोड़ आवाम की तरफ देखना चाहिए कि वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत है, मैं सेट हो चुका हूँ, मैं काफ़ी देर से क्रीज पे आया हूँ, सो मुझे अब मैच को एंड करना है, मैच को एंड करना है और मुझे पाकिस्तानी टीम को लीड दिलवानी है। लीड क्या खाक दिलवाएंगे दूसरी टीम को, 60-70 रन की लीड दिलवा के मैच की सत्यानाश कर दिए। अब मैच बचाना पाकिस्तानी टीम के लिए ये मैच बचाना इम्पॉसिबल हो चुका है। कोई एक वजह नहीं है कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीते, क्योंकि बाबर आजम से ही आप तवक्को रखेंगे कि वो दूसरी इनिंग में सेंचुरी कर देंगे। अब हर दफ़ा तो वो सेंचुरी करेंगे नहीं, और आपकी अंपायरिंग माशाल्लाह, पहले दिन आपके सिर्फ अलीम दार ने 3 गलत आउट दे दिए। यानी अलीम दार पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है, पिछले मैच में एहसन रजा चल रहा था, अलीम दार हो गया। यानी पत्नी इंग्लैंड को खुश करने के लिए हमारे अंपायर्स भी हमारे खिलाफ हुए हुए। एहसन रजा की पहले मैच के अंदर सत्यानाश थी पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, अब 3 बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है ये चीज़ के अलीम दार जो गलत फैसला कभी करते नहीं हैं, उन्होंने 3 गलत फैसले, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी इबरार अहमद की बॉल पर। अब क्या दूसरी इनिंग उन्हें दोबारा वो इसी तरह करेंगे? मरैस रेसमस से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं होती, एक तरफ मरैस रेसमस है और दूसरी तरफ अलीम दार है। यानी दोनों ही जब अंपायरिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए जीतना वैसे भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब रिजवान के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या करते हैं सेकेंड इनिंग के अंदर, आया वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते? अगर नहीं करते तो अगले मैच में क्या सरफराज अहमद को चांस देना चाहिए? ये बहुत बड़े सवाल आते हैं।